What's up guys, welcome back to another vlog. It's another holiday, another ride. So today I'm riding this CBR 1000 RR. So matlab last time Jewar leke gaya tha, it was a good feel. So it's my second ride on this bike. So this like bike looks so stunning. थोड़ा ना चलाना अनकम्फर्टेबल है, बट वंस यू आर ऑन द स्पीड ना, उसके बाद जो मज़ा देती है, जो थ्रिल है इसमें, दैट इज अल्टीमेट. चलो बाकी लोगों का वेट कर रहा हूँ मैं फर्स्ट मीटिंग पॉइंट पे, तो सारे लोग आते हैं तो फिर चलते हैं, फिर ऑन करता हूँ कैमरा. अरे ऊपर से जाएंगे, चलान कट जाएगा नीचे. चलो भैया ऊपर से मत चलो, चलान कट जाएगा भाई. So we just finished off our breakfast and we are finally pushing back to home. So that's the lineup for today. Let's go. Well, look at the cockpit. So I'm done with my morning ride. अब मैं जा रहा हूँ गौरव की बाइक की डिलीवरी के लिए. दिस ईयर आई एम अगेन प्लानिंग फॉर दी लद्दाख. तो फॉर लद्दाख आई बॉट दिस हिमालयन. लाइक वाइज गौरव निंजा चलाता है, तो लद्दाख के लिए ही ऑल्सो बाइंग दी हिमालयन 450. 12 बजे का टाइम दिया था, टाइम हो गया थोड़ा सा ज़्यादा. आई होप कि डिलीवरी अभी हुई नहीं होगी और वो अवेलेबल होगा वहाँ पर. नहीं होगा तो अदरवाइज अल्टे का 12 पुला देन पुश बैक टू नोएडा. बट अभी ट्रैफिक इतना ज़्यादा है, ट्रैफिक में चलाना इस बाइक को ना सच में प्रॉब्लम है. एक तो मैं भी इतना कंफर्टेबल नहीं हुआ उस बाइक का, अभी ऊपर से ट्रैफिक होने भी नहीं देगा क्योंकि कोई कहीं से ब्रेक मारता है. अब बाइक देखने में छोटी लगती है तो लोगों को रियलाइज भी नहीं होता कि बड़ी बाइक है. और हॉर्न तो इज अ जोक. वहाँ तक तो पूरा आश्रम तक तो पूरा ऐसे ही रहेगा ट्रैफिक. 4-5 किलोमीटर प्लेन एरिया है ही है.